What's up guys, Ron is here and welcome back to my channel Ron Gaming. So we are playing Pokemon right now, so let's jump right into it guys. अभी हम नए टाउन में जाएंगे, नेक्स्ट टाउन में. देखो वहाँ पे हम गए थे पिछली बार और वहाँ पे हर एक घर में घूमे थे, हर एक जगह पे घूमे थे. वहाँ पे बेकरी वाले अंकल से जो फाइट हुई थी और उनके दो पोकेमोन थे, बहुत ही खतरनाक थे. हमारे दोनों पोकेमोन को लव में डाल दिया था उन पोकेमोन ने और बहुत ही धुलाई की थी. लेकिन फिर भी हम फाइट बहुत ही मुश्किल से लेकिन फाइट जीत गए थे. बहुत ही मस्त फाइट हुई थी वो. पोकेमोन बैटल सबसे बढ़िया वाला बैटल था वो तो. रुको एक बार मुझे इसके साथ फाइट करने दो, आखिरी फाइट अगर लेवल कम हुआ तो. ओए इसको देख के मुझे लग नहीं रहा इसका लेवल कम होगा. कोई ना, चैरिज़ार्ड संभाल लेना. ओए हो 41 लेवल है. ओ नो, फ्लेम थ्रोवर अटैक. ये ग्रास टाइप पोकेमोन है तो फ्लेम थ्रोवर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और एक ही अटैक बचा है फ्लेम थ्रोवर. ओ नो, थोड़ी सी हेल्थ बच गई. अभी हेल्थ खींच रहा है वो तो. ओ नो, और हम ये वाला पोकेमोन पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई है. हमारा जो लेवल, हम जिस लेवल के पोकेमोन पकड़ सकते हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है ये शायद. रुको हम ट्राई करते हैं, मुझे देखने दो कितने लेवल तक के पोकेमोन पकड़ पाएंगे. कहाँ पे होता है वो, शायद मुझे नहीं लग रहा हम इसको पकड़ पाएंगे क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने तीन बैटल 40 लेवल तक के पोकेमोन पकड़ पाएंगे ऐसा लग रहा है, या फिर 35 लेवल तक के. 41 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लेवल का है. वो ये फिर से बच गया. नहीं 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 बचा है, पेंट हो गया. नहीं सभी भी बहुत सारा एक्सपी मिलेगा. और कितना सारा एक्सपी मिला, वाह. वैसे हाई लेवल के पोकेमोन को अगर हम अटैक करके पेंट कर दे तो बहुत सारा मिलता है ये एक्सपीरियंस. डिस्चार्ज, जो है डिस्चार्ज वाला अटैक काफ़ी पावरफुल है. इसको हम इलेक्ट्रो बॉल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे लग रहा है इलेक्ट्रो बॉल काफ़ी पावरफुल अटैक है. स्पार्क वाले अटैक की जगह यूज़ कर सकते हैं ये वाला क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल है ये डिस्चार्ज. रिबूट इवॉल्व करो. हाँ रिबूट अपने आप इवॉल्व होगा गाइस, उसका लेवल 36 होगा तब हो जाएगा इवॉल्व अपने आप. हो इवॉल्व हो गया, अभी बात कर रहे थे हम लोग. रिबूट इज इवॉल्विंग, नाइस. हमारा एक और पोकेमोन मैक्स लेवल भी इवॉल्व हो गया, थर्ड इवोल्यूशन हो गया रिबूट का. ओ खतरनाक, वाओ. कांग्रेचुलेशंस, योर रिबूट इवॉल्व इनटू सिंड्रेस, वाओ. Nice guys, एक और पोकेमोन हमारा इवॉल्व हो गया, थर्ड इवोल्यूशन. बहुत ही बढ़िया फायर टाइप पोकेमोन. दोनों पोकेमोन जो इवॉल्व हुए मैक्स वो फायर टाइप है हमारे. ओके नया मूव भी सीख रहा है ये. कौन सा मूव सीख रहा है वो भी देख लेते हैं. पायरो बॉल, ये खतरनाक अटैक लग रहा है. 120 डैमेज है लेकिन एक्यूरेसी 10% कम है. कोई ना, उतना तो चल ही जाएगा. हम कौन से वाले अटैक की जगह पे सिखा सकते हैं, हेडबट की जगह पे? नहीं नहीं नहीं, हम एम्बर की जगह पे सिखा सकते हैं. एम्बर थोड़ा सा कमज़ोर अटैक है, उसकी जगह पे ये वाला अटैक सीख लेते हैं तो काफ़ी पावरफुल हो जाएगा ये. जब जैसे ही बात की इवोल्यूशन की वैसे ही इवॉल्व हो गया, क्या बात है, मज़ा आ गया. ये अब तो मैं ढूंढ ढूंढ करते हुए फाइट करने जा रहा हूँ पर यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल के सब ट्रेनर वगैरह है. यहाँ पे कुछ है, कुछ चमक रहा है. पोकेबॉल, वाह पोकेबॉल मिला वे, नाइस. क्या बेच रहे हो? स्पेंड वर्ड्स. अच्छा नहीं 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 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मैं जा रहा हूँ अंदर. हम जा रहे हैं सिटी में आगे. अभी हमारा यहाँ पे वेट किया जा रहा है. देखो ये लोग हमारा वेट करके खड़े सामने, हमें वहीं पे जाना है. तो हम पिछली बार सारी जगहों पे घूमे थे, अभी यहाँ पर नहीं आए थे. मिस्टर चेयरमैन चड्डी मास्टर मैन हमारा वेट कर रहे हैं. मिस्टर चड्डी मैन हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो जिसको भी ये लाइन पढ़ने पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस. मैं नहीं पढ़ने बैठ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोर हो जाते हैं इसमें और मैं भी बोर हो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते इतना सारा. चैम्पियन पता नहीं क्या बातें करे. दैट्स अ स्पिरिट. ओए खुश हो गया चड्डी मैन, खुश हो गया है. डू यू हैव मोमेंट? यस. वो लोग बात करने जा रहे हैं दोनों. अभी चड्डी मैन हमसे बात करने आ रहा है, चेयरमैन हमारा.
इसको चेयरमैन बनाया किसने मुझे वो बताओ पहले, चड्डी पहन के आ जाता है कहीं पे भी। पूरे पोकेमोन सिटी जो है, पूरी सिटी है, सारे पूरा सिटी का ये मेन है, चड्डी पहन के घूमता है। देखो चड्डी मैन कहीं का हमारा जो डायनेमिक्स बैंड है वो कुछ और ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ बोला मैंने, पढ़ा तो नहीं पर ऐसा ही कुछ बोला। चलो मैं पहले तो अपने पोकेमोन को हील कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा वहाँ पे अंदर। ये हमारा चारिज़ार्ड जो है वो थका हुआ है काफी, और फिर बाकी पोकेमोन भी बहुत थके हुए। नर्स मैडम मेरे पोकेमोन को हील कर दो प्लीज। ये नॉइस देखो कितना मस्त कलेक्शन है हमारा पोकेमोन का, मस्त लग रहा है। वी होप टू सी यू अगेन, यस थैंक यू थैंक यू। चलो मैं वैसे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पिछली बार खरीद के गया था, तो वैसे हमारे पास वैसे भी कम है तो वेस्ट नहीं करेंगे। और ये सारी जगह हम घूम, शायद तो हमने घूम लिया था, है ना, पूरा सिटी घूम लिया था, बस यहाँ पे अंदर की तरफ नहीं गए थे हम लोग। तो आज हम यहाँ पे आगे जाएंगे और देखते क्या होता है वहाँ पे, और बीच बीच में जो भी बंदे जो भी खड़े होते हैं सबसे बात करते हुए जाएंगे। कभी कभी फ्री चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को, पोकेमोन भी मिलता है कभी कभी अच्छा वाला, कोई एक्सप्लोरेशन करते हुए जाएंगे। वो हम खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, डरावनी जगह है। अरे ओ ये तो जिम में आ गए हम लोग, नेक्स्ट जिम आ गया, स्टेडियम। अच्छा ये हैमरलॉक स्टेडियम है, वाह कितना बड़ा स्टेडियम है, ऐसा बोल रहे हैं। वो अपना टेबलेट दिखा रहा है हमें। सी एंड इजी टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनर्जी प्लेनेट, एनर्जी प्लांट है वहाँ पे, उससे वो पूरा सिटी जो है वो पावर अप होता है एनर्जी प्लांट से। वाह नाइस, कितना बड़ा एनर्जी प्लांट है ये। हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले आज, हम ऐसे ही अपने आप सब पता लगाएंगे। ओए कान में क्या फुसफुसा रही हो, हमसे सीक्रेट में मैं वैसे भी नहीं सुन रहा, डोंट वरी। ओके तो हमें सजेशन दिया इसने कि रूट 6 की तरफ आगे बढ़ो, हमें रूट 6 की तरफ जाने के लिए बोला है। देखते हैं रूट 6 इस तरफ, देखो जहाँ पे, देखो हम यहाँ पर है अभी, ये वाले सिटी में एनर्जी प्लांट है यहाँ पर बहुत ही बड़ा, और रूट 6 इस तरफ हमें जाना है। भाई हो बहुत ही खतरनाक एरिया लग रहा है वो तो, देखने में मस्त एरिया लगेगा, कुछ अलग ही टाइप का एरिया है पूरा। वहाँ पे अलग अलग और भी नए नए टाइप के पोकेमोन देखने मिलेंगे हमें। तो रूट 6 पे निकलना है हमें, रूट 6 पे जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आएगा रूट 6 पे, नए नए पोकेमोन देखने मिलेंगे हमें। शायद लेफ्ट की तरफ ही जाना था ना, हाँ फिर भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं, इस तरफ जाना है लेफ्ट में। ओ नॉइस लियोन, रॉन सीम्स यू आर डूइंग वेल, थैंक यू लियोन, ये सबसे नंबर वन पोकेमोन मास्टर है यहाँ का, पूरी सिटी का, पूरे वर्ल्ड का, इसको हमें आखिर में हरा रहा है, हमारा गोल है इसको हरा के हम फर्स्ट नंबर पे आएंगे। मे बी ही इज फीलिंग डाउन बिकॉज ही इज हैड सम हार्ड, अच्छा ही लॉस्ट टू दैट चैलेंजर बेड, आई थिंक सो बोलते हैं। ओके ब्लास्ट इन लुक इट टाइम लेरी फॉर वेट मीटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे कुछ हमारा फर्स्ट पोकेमोन जो रेबूट था वो इसी ने हमें दिया था वैसे। ओके तो हम रूट 6 में आगे जाने जाएंगे अभी, वो भी उस तरफ ही जा रहा है, तो आगे मिलेंगे करके भाग्य अकेले के लिए। ये कौन सी जगह है यहाँ पे भी, ओई होई ओ पिछली बार हमें नहीं जाने दिया था, इस बार शायद अंदर जाने दे। ओ किसको कॉल लगा रहे हो, राइट रॉन, यस मैं रॉन हूँ। एंड इफ लियोन हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, अरे वाह क्या बात है, लियोन ने हमारा पोटेंशियल जाना है। ये शायद हमें इस बार अंदर जाने देगा, आई ऑलरेडी नो दैट, चैलेंज द माइटी लियोन टू हैज टू प्रूव देयर। ओके ओ ट्रेजर ढूंढ सकते हैं हम यहाँ पे, नाइस हमें अंदर जाने दिया, पिछली बार नहीं लेके जा रहा था ये। अरे वाह ट्रॉफीज देखो कितनी सारी है, ओ इसने अपना लीग कार्ड भी दिया मुझे ना, इसका कौन सा रैंक है वो देखते। मुझे लग रहा है ये रिहान भी बहुत ही खतरनाक पोकेमोन ट्रेनर होगा ऐसा लग रहा है, इसका लीग कार्ड देखते हम लोग।
रेहान, अरे बहुत ही दूर लेवल है इसका तो, नहीं 241 पता नहीं अभी वो रैंकिंग किस हिसाब से होती है मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक लियोन सबसे फर्स्ट नंबर का है तो उसका वन रैंकिंग लिखा है उस हिसाब से तो पता नहीं, लेकिन माइलो तो वो भी तो जिम लीडर है तो उसका 831 मतलब उस हिसाब से नंबर नहीं दिए तो रेंडम नंबर ही दिए हुए, और काफ़ी पावरफुल लग रहा है देखो कैसे हाँ करके बहुत ही डेंजरस फाइट करता होगा शायद, उसके साथ भी हमें फाइट करना पड़ेगा बाद में, मज़ा आएगा वो। ये ट्रॉफीज देखो गाइस कितनी सारी ट्रॉफी है, किसकी ट्रॉफी है वही, ये क्या, यू नीड परमिशन इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर अ वॉल्ट, अच्छा अगर मुझे वॉल्ट में जाना है तो मुझे परमिशन चाहिए होगी, ओके दरवाजे नहीं खुल रहे, ओके चलो तो फिर हमें लेफ्ट में जाना है, यहाँ पे क्या है, ओ सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर, हम शायद वॉल्ट में जा रहे हैं, ओ नहीं ये तो रे हम मेंशन के ऊपर जा रहे हैं पूरा मस्त जगह पे, चलो अंदर यहाँ पर कुछ तो होने वाला, ओके पक्का यहाँ पे फाइट होने वाली है, नहीं ये तो फाइटर नहीं है, सोनिया हो यू आर हियर, यस दुनिया यहाँ पे क्या कर रही थी, फोटोज देख रही थी, द टू यूथ वॉचिंग अ विशिंग स्टार, अच्छा ये दोनों विशिंग स्टार देख रहे थे और डिजास्टर हो गया बहुत ही खतरनाक कुछ हुआ, द टू बिलव्ड यूथ्स, फिर क्या हुआ, द यूथ लुकिंग ऑन द स्वॉर्ड एंड शील्ड दैट सो, अच्छा देखो ये स्वॉर्ड एंड शील्ड जो है उसने डिजास्टर को रोक दिया और फिर वो दोनों राजा बन गए, राजा रानी बन गए, नाइस दोनों को राजा रानी बना दिया तो वो जो स्वॉर्ड एंड शील्ड है उसने डिजास्टर को रोका, ऐसा स्टोरी है। यू यंग जिम चैलेंजर व्हाट स्टिक आउट यू मोस्ट अबाउट देम, द डार्केस्ट डे द टू हीरोज, क्या पूछे, देयर इज टू हीरोज, दोनों भी सोच में पड़ गई काश ये डायलॉग बोलते ना तो और भी मजा आता खेलने में, हमें पढ़ने पड़ रहा है वो गलत बातें, अरे नाइस दो रिवाइव मिले हमें, चलो कुछ नहीं तो अच्छा, इसके इसके साथ भेजा फ्राई करके कुछ तो मिला, मुझे तो लग रहा था यहाँ पे खतरनाक फाइट होगी ऊपर आए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बस थोड़ी सी स्टोरी जानने मिली है दो हीरो और स्वॉर्ड एंड शील्ड की, जो स्वॉर्ड एंड शील्ड ने सिटी को बचाया डिजास्टर होने से रोका, यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ बड़ा सा मिलेगा ऐसा लग रहा था, ओ रुको 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 अभी भी बाकी है यहाँ पे कुछ मिलेगा, लिसन अप रॉन, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं कान बंद करके सुन रहा हूँ, कुछ एडवाइस दी लेकिन मैंने नहीं सुना हम नहीं सुनते, हम सीधा फाइट में जाते हैं, ये किसको हाई बोल, हेलो मुझे हाई बोल रही हो, इसको हाई बोल रही है ये, यहाँ पे कोई गया, अच्छा इन लोगों की फाइट चीयर अप कर रही है ये, इससे आगे नहीं गए लेकिन यहाँ पर एक भोपू मास्टर खड़ा था जो मैं आगे नहीं जाने दे रहा था, लेकिन अब हम जा रहे हैं रूट 6 पे आगे बढ़ने, बहुत ही मजा आएगा, नए पोकेमोन देखने मिलेंगे और पूरी नई जगह है देखो पूरा, वाओ सब कुछ अलग है यहाँ का, तो वेदर भी अलग है जगह भी पूरी अलग है, ये क्या ये पोकेमोन सो रहा है व्हाट अ क्यूट सिली कोबरा ये सो रहा है देखो आराम से, इट्स आवर ड्यूटी एज अ टीम यू विल मेक श्योर सिली कोबरा गेट्स अ नाइस पीसफुल स्लीप, मतलब मैंने कहा उठाया मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये दादी अम्मा कहाँ से आ गई थी, उसकी पिटाई करेगी क्या, अच्छा नहीं मुझे जाने दो करके चली गई, ये डर गया बेचारा दादी अम्मा से, ओए होए हो पाया हमारा राइवल हमारा फ्रेंड, मुझे लग रहा है हमारी फाइट होने वाली है ड्यूअल 2v2 फाइट होने वाली है, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मुझसे पंगा लेने आ गए लोग, छोड़ूंगा नहीं मैं, आई विल बैटल देम, यस मैं हमेशा रेडी हूं बैटल के लिए, तो मजा आ गया, यस अब फाइट होने वाली, फाइनली हम फाइट करने वाले हैं, भोपू मास्टर हमारे सामने तुम भोपू बजाते रहो मैं उड़ा के चला जाऊंगा सबको, ये कौन सा पोकेमोन है मोटू सा, वाह उसका मुंह देखो कैसा मोटू गया खा खा के, उसके जैसे ही उसके
देखो उसका पेट मोटू, इसका मुंह मोटू, दोनों मोटू कही के रुको। ये कौन सा पोकेमोन है? स्टंकी। स्टंकी के ऊपर शायद एयर स्लैश ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ऐसा लग रहा है। एयर स्लैश अटैक चैरिज़ार्ड। वो नाइस ओपी अटैक, परफेक्ट अटैक था ये तो, परफेक्ट। मोटू भी रोने वाला है। विल यू स्विच पोकेमोन? यस यस यस। रुको हमें अब सिंड्रेस को भी ट्राई करना है, अभी अभी वर्ल्ड हुआ है, नए मूव सीखे है, उसको भी फाइट में उतारेंगे। ओह यार कितना क्यूट पोकेमोन है। लियोने पे मुझे लग रहा है फायर। रुको नया जो अटैक है वो यूज करते हैं, पायरोबॉल। पायरोबॉल अटैक। ओह ओह अरे सुपर अटैक था ये तो, वाह। फुटबॉल खेल के सीधा आग क्या फायर फेंका है, मस्त वाला अटैक था। ये नया मूव सीखा है इसने अभी। ये मोटू कही के रो अभी खड़े खड़े। अरे ढेर सारे पैसे दिए इसने तो मुझे। ये अभी दो फाइट करनी है। वाह मुझे लग रहा था कि दूसरी फाइट वो करेगा, हमें दोनों फाइट करने हैं। चलो फिर से रेडियम फाइट करने के लिए। फाइट के लिए तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कौन सा पोकेमॉन, कितना क्यूट लग रहा है। टन 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 टन। अभी इस बार हम करेंगे फायर प्लेज अटैक। अरे जला दिया, वाह। अरे बहुत ही खतरनाक अटैक सीख ले हमारे दोनों पोकेमॉन ने, इतना इजीली हरा रहे इन लोगों को। और उनके पोकेमोन के लेवल भी थोड़े से कम है, 30 लेवल के इनके पास। हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवा के आए 38 लेवल का पोकेमोन करके। रो रहे दोनों। और परेशान करो तो लोगों को, जाओ भागो यहाँ से, अभी भागो, चलो भागो यहाँ से वरना आ रहा हूँ पीछे धुलाई करने के लिए। मुझे लग रहा है अभी होप है, होप क्या सोच रहा है, ए होप कुछ बता रहा है हमें, जिसको भी पढ़ना है पोस्ट करके पढ़ लेना गाइस। ओके वो भी रूट 6 पे जा रहा है, आगे जा रहा है वो, नेक्स्ट जिम लीडर से फाइट करे। अरे ओए ये तो जाग गया। ओह नो है, अच्छा कुछ नहीं किया है तो चला गया। मुझे लगा अभी डसने आएगा क्या। यू आर वन ऑफ द जिम चैलेंजर्स है, कौन बोल रहा है, कौन है? ओए ये कौन है, भूतनी आ गई, वो चुड़ैल आ गई। ओपल, ओपल नाम है इसका, क्या दिया मुझे, लीक कार्ड। ओए होए ओपल ने अपना लीक कार्ड दिया मुझे, नाइस। वो बोल रही है मैं अपना ध्यान रखूंगी तुम पे। ओ हम फेमस हो चुके गाइस, तीन तीन बैटल जीत चुके हैं तीन जिम लीडर के सामने, इसीलिए अब तक एक भी फाइट नहीं आ रहे। हम लोग ऑलमोस्ट हारने वाले थे, पता है दो बार ऑलमोस्ट हारने वाले थे, लेकिन वो एक तो बेकरी वाले चचा के सामने और दूसरा वो जिम लीडर के सामने भी, लेकिन फिर भी जीत गए हारते हारते। इसने क्या कार्ड दिया, ओपल ये रहे। ओपल नोइश नोइश, वो हम पे ध्यान रखेगी। चलो आगे बढ़ते भी, रूट सिक्स ये रहा। वो फाइट, चलो फाइट करते आ जाओ, फाइट के लिए मैं तो रेडी ऑलवेज। अनीता के साथ फाइट होने वाली है। क्लैरिफाई, हुई मस्त क्यूट पोकेमोन ये तो, पर क्यूट पोकेमोन हमारे सामने नहीं चलने वाले। फ्लेम थ्रोवर अटैक, जला दिया, नॉइस। ये तो हमारा अभी बाएं हाथ का खेल है फाइट, इनसे फाइट करना तो। हमारे पास चैरिज़ार्ड कितना लेवल अप हो चुका है, मस्त। चलो इस बार कोई और पोकेमोन यूज करके देखते हैं, पिकाचू है। उई इसको तो यूज ही नहीं किया हमने, स्नाइप्स टोगरपी को यूज करते हैं। हमें जिसके पास से टोगरपी मिली थी उसने उसका नाम स्नाइप्स रखा था, इसीलिए स्नाइप दिख रहा है। अरे मुझे लग रहा है हमें धुलाई की पड़ने वाले, ऐसा क्यों लग रहा है, रुको। उसको सुला देते यौन। नहीं क्यों नहीं, उसने हमारा अटैक ब्लॉक कर दिया। ओ नो
उसको नींद दिला दी हमने। वो अभी देखो उसको नींद आना चालू हो चुका है, थोड़ी देर में सो जाएगा वो पोकेमोन, फिर हम उसकी धुलाई कर पाएंगे। तक हम अटैक करते हैं, लाइफ रू नहीं एंशिएंट पावर अटैक करते हैं। ये फिर से वही अटैक करिए, नाइफ अटैक एंशिएंट पावर अटैक। ओए होए खतरनाक है तो। अरे डैमेज ही नहीं पड़ा, लगे सो गया, सुला दिया। नॉइस नॉइस देखो सो गया। अभी हम उसकी धुलाई करेंगे आराम से। डबल एज अटैक एंशिएंट पावर तो बहुत ही बेकार अटैक रहा, लेकिन अभी वो अटैक भी नहीं कर पाएगा और हमारा अटैक डॉज भी नहीं कर पाएगा। अरे इसको धुलाई नहीं पड़ रही है ज़्यादा, बहुत ही लाइफ ड्रीव अटैक। सारे अटैक ट्राई करते हैं, वो सो रहा है तब तक। ये हमारे पास फ्री अटैक है अब तो। ये अटैक खतरनाक लग रहा है, ये अटैक अच्छा हील किया अपने आप को। नाइस, ये भी सही है, ये बहुत ही काम का है लाइफ ड्रीव तो, कभी फाइट में ज़रूरत पड़ सकती है। चलो तो फिर डबल एज अटैक ही करते। अरे वो उठ गया, ओ नो पर इसको और कोई अटैक ही नहीं आता वाह। कब से एक ही अटैक कर रहा है, मिसाइल। ओ नो मिसाइल, ओए नहीं किया अटैक, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा है। ओके दो बार, अरे कितनी बार मारोगे। चलो नॉट इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया। ओ खतरनाक, नाइस नाइस। अरे हमारी हेल्थ कैसे गई लेकिन। चलो फिर से सुला देते, सो जाओ। देखो उसको लोरी सुना रहे हैं, ना बोल रहा है नहीं सोऊंगा। हम बोले सो जाओ नहीं तो धुलाई कर पड़ेगी, मेरे मम्मी को बुलाऊंगा। ओह नो नहीं सो। अरे क्या किया उसने, सो जाओ अभी, चलो चुपचाप। बहुत बहुत फाइट करते रहते हो, सो जाओ आराम से, मार खाओ सो के। सोलर ब्लेड, ओह नो उसने सोलर ब्लेड यूज किया है। क्या अटैक है, अरे वो क्या अटैक था, ये खतरनाक अटैक था, बहुत ज्यादा हेल्थ गई। फिर से एंशिएंट पावर, अरे वाह यस खत्म कर दिया, हम जीत गए फाइट। इजी इजी सुला के, देखो सुला के धुलाई कर दी। काफी सारा एक्सपीरियंस मिला। 4000 वांट्स टू लर्न अ स्केरी फेस, नहीं नहीं स्केरी फेस नहीं सिखाना है, ये बेकार अटैक है। वो अटैक नहीं है, वो सिर्फ डराता है। ये बोले मैं कैसे हार गई करके, मेरे पोकेमोन को सुला के धुलाई कर दी करके। 5000 दिए उसने, 5000 डिक्टीरियो। हम इनको पकड़े क्या, नहीं। ओ ये क्या जगह है, यहाँ से कूद सकते। अरे नाइस पोकेबॉल, क्या है इसमें, अल्ट्रा बॉल, 3 अल्ट्रा बॉल मिले, नाइस। ये वापस ऊपर नहीं जा पाएंगे, इस तरफ से जाना पड़ेगा। ओ ये कौन सा पोकेमोन है, वाह देखो ये सब नए नए पोकेमोन देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ओ यहाँ पे फाइट होगी दो दो जगह, वाह दो दो लोगों से फाइट होगी, नाइस। डॉक्टर, दो डॉक्टर एंड नर्स खड़े यहाँ पे। देखो डॉक्टर्स को भी पोकेमोन खेलने का बहुत पोकेमोन से, अरे वो क्यों रो रहा है लेकिन। दोनों के पास एक एक पोकेमोन ही है। अरे इसके पास इवोल्व वाला वर्जन है उसका, नाइस। डोगरपी का इवोल्व वाला वर्जन है, देखो लेफ्ट में जो जिससे हम फाइट कर रहे थे पिछली गेम, पिछले फाइटर के साथ। देखो ये रहा वो, इतना क्यूट दिख रहा है। हमारा भी डोगरपी अगर इवोल्व होगा तो ऐसा ही दिखेगा फिर। तो फिर फायर प्लेज अटैक करते हैं टोगे टिक पे, एंड दूसरा जो अटैक है वो पायरबॉल, वो यूज करेंगे पोनीड पे। क्या नाम था उसका, पोनीड। वे इजी, हमारे लेवल अभी इतना हाई हो चुका है कि ये लोग को, मतलब ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हमारे सामने, और हमारे सारे पोकेमोन लेवल अप हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पायरबॉल अटैक, ओ सुपर। डॉक्टर नर्स दोनों की धुलाई हो गई। बेचारा वो तो पहले से उदास था, अभी और भी उदास हो जाएगा। देखो पता ही था मुझे उदास और भी हो जाएगा। ये बोले मुझे हरा दिया, हटो यहाँ से।
ना, इनको हरा के ढेर सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें तो ये कौन सी जगह है? यहाँ पे भी एक फाइटर है, नाइस। वो इसके हाथ में कुछ चमक रहा है, अच्छा पॉकेबॉल चमक रहा था। मुझे लगा कुछ देगी ये। डाइनी, डाइनी नाम है इसका, डाइनी। स्वॉक हो रहे, स्वॉक को भेजा है। ओके, कोई ना, हमारा चारिज़ार्ड आराम से हैंडल कर लेगा। फ्लेम थ्रोवर अटैक। नहीं, अरे 1% हेल्थ बच गई, कोई ना। ओ अरे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन क्या फायदा? अभी नेक्स्ट अटैक में वो जाने वाला है, स्ट्रॉन्ग करके कोई फायदा नहीं। एयर स्लैश अटैक, नाइस। यहाँ पे आप जीत गए, और भी पैसे मिलेंगे। मुझे लग रहा है हमें एक और नया पोकेमोन पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर हमारे पास जो पोकेमोन है उसमें से किसी को स्वाइप करना पड़ेगा। अगर हाई लेवल का हुआ तो मैं कर दूंगा। तिन 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 तिन, ये क्या है? डीग, ओए नाइस, नया मूव मिला है हमें डीग वाला, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सामने देखो गाइस, क्या मस्त बनाया हुआ है स्टैचू वगैरह। और वो रहा जिम, लेफ्ट में दिख रहा है जिम, दिख रहा है वहाँ पे जाके फाइट होने वाली है अभी, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। पहले यहाँ पे इंजॉय करेंगे, पोकेमोन के साथ खेलेंगे हम लोग। हैं नहीं, यस, मेक कैंप फायर, हम अपने पोकेमोन के साथ खेलेंगे। ये चारिज़ार्ड, देखो हमारा चारिज़ार्ड कितना बड़ा दिख रहा है, देखो उसके भी पोकेमोन है यहाँ पे। वाओ, उसके पोकेमोन सारे फाइटर टाइप पोकेमोन है, देखो उनके बाजी करने कहाँ भाग रहे हो। उसके बाद सारे फाइटर टाइप पोकेमोन है, बस वो वाला जो है वो अलग है थोड़ा। हमारे पोकेमोन, हमारे एक ही पोकेमोन है यहाँ पे चारिज़ार्ड, बाकी पोकेमोन कहाँ गए? चारिज़ार्ड यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। ए, नहीं आ रहा भाई चारिज़ार्ड, यहाँ पे आओ। भाई खुश हो गया, खुश हो गया, वाह कैसे खुश हो गया देखो। चलो बातें करते चारिज़ार्ड, कैसे हो? हम बातें करते चलो। ओ, उसको भूख लगी है, देखा उसको भूख लगी है शायद। गो प्ले, जाओ खेलो, जाके मजे करो, खुश हो गया। तेरे को फिर से बुला दे, चारिज़ार्ड यहाँ पे आओ। उसको खिलाते दूसरा कौन सा टॉय है? जाओ पकड़ के लाओ, गो फेच चार्जर। ओए पकड़ लिया उसने, नाइस। अभी लेके आओ, वापस करो। ये क्या देख रहा है कि ओए निकलो यहाँ से, ऐसे मत देखो खतरनाक तरीके से। वाह चार्जर कितना खुश लग रहा है हमारे साथ खेल के, मजा आ गया। लाओ वापस करो, थैंक यू। अभी जोर से फेंकता हूँ, अरे ज्यादा दूर नहीं गया। गो फेच चार्जर, अरे कहाँ जा रहे हो? कितना खुशी से उड़ रहा है, अरे वो रहा बोल वहां पे। लगता है अरे इसने तो लात मार दी। चलो बहुत खेल लिया, अभी हम कुछ बनाते, रुको खाना बनाते। ये धुलाई कर रहे क्या आके मेरी? मैं खाना बनाऊंगा, डोंट वरी, खाना खिलाऊंगा। मैंने पिछली बार बहुत बेकार खाना बनाया था, याद रखना, सबको पता है वो। मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो देखने दो। एक ही चीज है क्या? खाना खाओ, मैं क्या खाना बनाऊंगा एक चीज से तो। अच्छा ये चारिज़ार्ड ने देखो ये ऑर्डर किया मुझे, मुझे स्पाइसी करी खानी है करके बोल रहा था। अरोमा ऑफ देने, पर इसको बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई ना, मैं बनाऊंगा खाना, यस आई वॉन्ट टू कुक, मैं कुक बनने वाला हूँ अपने पोकेमोन के लिए। बताओ गाइस क्या क्या डालें हम खाने में, कौन कौन सी बेरीज मिक्स करें जिससे पोकेमोन को अच्छा लगेगा। अ फन बेरी देयर फुल ऑफ डिफरेंट फ्लेवर, इट्स ईटेबल, इट बिकम डजंट हैव ड्राई टेस्ट। ओह नाइस, चलो ये वाली बेरी एक डालते हैं। ओके फिर
a berry that acquired taste since it no sweetness. It adds distinctive flavor if it's used. अच्छा ये cooking के लिए add कर सकते हैं, ये भी add करते हैं. Would you like to start cooking with your current berry selection? Yes. देखते हैं guys कैसा खाना बनाते हैं, दूसरी बार try कर रहे हैं हम लोग. चार बेरी डाल रहे हैं अलग अलग मिक्स करने के लिए मस्त वाली. चारिज़ार्ड को स्पाइसी करी चाहिए थी पर पता नहीं क्या बनाया मैंने. हमारा मैजिक देखो, स्टार्ट कुकिंग. पैन द फ्लेम, पैन करना है, कैसे करना है? कितने जोर से फ्लेम कर रहा हूँ, खाना बिगड़ ना जाए. हो गया क्या? कितनी देर तक फ्लेम करना है? ओए हो देखो, ओए जल गया खाना. नहीं नहीं जला है. ओके इसको हिला रहा है. ओए हमारे देखो रेसिपी बन रही है अच्छे से. कुछ हिलाना है, गोल गोल घुमाना है, सब मिक्स करना है अच्छे से. मिक्स करो, मिक्स मिक्स करो अच्छे से. फिर स्टर इट अच्छे से, मिक्स करो. हो गया मिक्स, नाइस. और पुट योर हार्ट इन टू इट. कैसे कैसे? ओए हो ढेर सारे हार्ट अपना दिल से बनाया मैंने. किसी बनी है पता नहीं. डन गाइस, बन चुकी है हमारी डिश. अभी देखता कैसे वो सब खुश हो गए खाने के लिए. अभी खा के कैसा लगे पता नहीं. स्पाइसी फ्राइड फूड करी. ओके ओके अभी पता चलेगा. ओए मस्त लगी, ओपी, मजा आ गया. ओए सुपर करी बनाई हमने, मिलिट्री क्लास. वो क्या बात है, पहली बार हमने बहुत ही मस्त करी बनाई. पिछली बार सब भाग गए थे खा के, हमारे पोकेमॉन नाराज हो गए थे हमसे.